हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का जो साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 11 है, फोर्स एंड प्रेशर, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है और इससे पहले आपके चैप्टर नंबर 9 और 10 थोड़े मैंने टाइम भी के लिए छोड़ दिए हैं, इसको हम बाद में करेंगे। एकदम फिजिक्स के 2-3 चैप्टर कर लेंगे, ठीक है, ये आपके अच्छे से समझ में आएंगे। फिर बायो के 2 चैप्टर हमारे रिप्रोडक्शन एंड हमारा एक और चैप्टर है हमारा एडोलेसेंस वाला, ठीक है कि नहीं, क्या तो वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये वाला चैप्टर कर लेते हैं, ठीक। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों चैप्टर का नाम फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स होता क्या चीज़ है? हिंदी में फोर्स को कहते हैं बल, ठीक है। तो आपने देखा होगा घर में आप किसी वस्तु पे यदि फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का रूप क्या होता है? तो प्राइमरीली फोर्स जो होती है ना वो 2 मेन रूपों में होती है। या तो हम किसी चीज को धक्का मारें तो धक्का को तो बोलते हैं पुश, और या हम किसी चीज को खींचें, दैट इज नोन एज पुल। अब मान लीजिए आपको एक बाल्टी रस्सी दे दी और बोला कि जाओ कुएं में से पानी ले आओ, तो आपने रस्सी डाला, फिर आप क्या करोगे? धक्का थोड़ी मारोगे रस्सी को आप अपनी ओर खींचोगे, चाहे तो वो पुली के ऊपर से खींचा जाए, तो ये तो हो गया पुल का फॉर्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, क्या? देन उसके बाद एक और फॉर्म है जहाँ पे कि डोर है, ठीक है कि नहीं, क्या? तो दरवाजे आप जो स्प्रिंग वाला जो दरवाजे ऊपर स्प्रिंग का जो अटैचर लगा होता है, अगर आप दरवाजे को खींचोगे अपनी ओर तो खुल जाएगा दरवाजा, कभी कभी पुश करने से भी खुलता है, तो लिखा होता है उसमें पुश या पुल, ठीक है। तो जो मेन फोर्स हो गई वो 2 अलग अलग रूपों में हो गई, या तो वो पुश हो सकती है धक्का मारना या अपनी ओर खींचना। समझ में आ गया कि नहीं, कहा? तो ये 2 प्राइमरी रूप हो गए फोर्स अप्लाई करने के, आइदर इट कैन बी पुश और अ पुल। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल। लेकिन अभी आप लोग 9th क्लास में आ गए तो थोड़ा सा, 8th क्लास में आ गए तो थोड़ा सा एक बेटर डेफिनेशन देखते हैं हम, क्या? ये तो छोटे बच्चों की डेफिनेशन होगी। तो अब ध्यान देंगे, फोर्स बच्चों ये वो एजेंट है जो किसी वस्तु पर लगे ना और उचित मात्रा में लगे तो इसमें क्षमता होती है उसमें मोशन उत्पन्न कर दे, मूव करवा दे। एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक डस्टर मेरे हाथ में रखा हुआ है, अब मैं इस पर आपकी ओर ऐसे फोर्स लगाने वाला हूँ, ठीक है कि नहीं, क्या? तो अब इंपॉर्टेंट मैं पूछूं कि बताइए क्या होगा, तो आप बोलोगे कि मैं ऐसे फोर्स लगाऊँ तो उधर हिलेगा, तो जरूरी थोड़ी कि हिल जाए। चलो मैं तो बहुत हल्का सा लगा दूंगा फोर्स, चलो मैं फूंक मार दूं, तो फूंक मारने से फोर्स तो लगी रही है, इस पे धक्का लग रहा है लेकिन हिल नहीं रहा। अगर यहाँ पे एक बाल रखा होता, हेयर रखा होता, वो तो उड़ जाता, बट ये नहीं हिला, तो इसका मतलब फोर्स लग तो रही है बट इसको हिलाने के लिए काफी नहीं है। ये बिल्कुल वैसे जैसे कि मैं आपको एक 500 किलो का पत्थर पड़ा हुआ चट्टान पड़ी बोल के लो मारो धक्का इसको, तो इवन तो आप धक्का मारोगे फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन जरूरी थोड़ी कि आप उसको हिला दो। रोड साइड पे ट्रक खड़ा है, ट्रक को आप धक्का मार रहे हो नहीं हिलेगा आपसे, तो जरूरी नहीं कि फोर्स लगाए तो हिल ही जाए, है ना। तो इसमें मैंने फोर्स लगाया तो हो सकता ना हिले, तो कारण क्या क्यों नहीं हिला? क्योंकि लगाई गई फोर्स इसको हिलाने के लिए काफी नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, ओके। तो अब क्या, चलो मैंने उचित मात्रा में फोर्स लगाई, जितनी इसको हिलाने के लिए चाहिए उससे ज्यादा लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं उचित मात्रा में फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स वो एजेंट है जो किसी वस्तु को हिलाने की क्षमता रखता है, समझ में आ गया, और स्वयं की दिशा में हिला देता है। तो फोर्स इज दैट एजेंट विच व्हेन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन प्रॉपर अमाउंट has the capacity to produce motion in it, has the capacity to move it. इस प्रकार का जो एजेंट है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। और बच्चों फोर्स है ना, फोर्स उसको नापते हैं यूनिट में न्यूटन, न्यूटन इसकी स्टैंडर्ड SI यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन, न्यूटन पर्सन का नाम है, सर आइजक न्यूटन फादर ऑफ साइंस, उन्हीं के नाम से ये न्यूटन रखी गई, ठीक है ना, यूनिट। देन उसके बाद इसकी एक छोटी यूनिट भी होती है, जैसे हमारा मास होता है, मास हम केजी में नापते हैं, छोटी यूनिट ग्राम्स है, लेंथ की बड़ी यूनिट मीटर है, छोटी यूनिट सेंटीमीटर मिलीमीटर भी होती है, तो इसकी एक छोटी यूनिट भी है CGS यूनिट जिसको बोलते हैं, तो वो है हमारी डाइन। क्या है हमारी डाइन? बड़ी यूनिट क्या है? न्यूटन। छोटी यूनिट क्या है? डाइन। डायन नहीं बोलेंगे, डाइन, ठीक। अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है बच्चों? एक बड़ी यूनिट में छोटी वाली कितनी यूनिट्स होती है? 1 लाख, 10^5, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 100,000 डाइन्स और 10^5 डाइन्स। आप रिमेंबर करना चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, सिर्फ न्यूटन याद रखो, दैट विल बी इनफ। कैपिटल एन इसका सिंबल है, क्लियर है, छोटी यूनिट इसकी डाइन है, याद होना चाहिए। चलिए आगे तो डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों फोर्स की क्या है। डिफाइन फोर्स, अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये तो हो गई बच्चों वाली डेफिनेशन, पुश या फिर पुल को हम फोर्स कहते हैं, और बेसिकली होता क्या चीज है? इट इज दैट एजेंट, वो एजेंट है विच व्हेन अप्लाइड या एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन प्रॉपर अमाउंट, उचित मात्रा में किसी वस्तु पे लगे ना ये बल, हैज द एबिलिटी टू मूव इट, उसको मूव करवा देती है, मूव करवा देती है वो भी खुद की दिशा में। समझ में आ गया कि नहीं, क्या? तो ये तो हो गया हमारा फोर्स। उसके बाद ये यूनिट मैंने बताई दी आपको क्या है। अब हम देखेंगे बच्चों किसी वस्तु पे फोर्स लगाए, आपसे क्वेश्चन पूछा भाई हाँ किसी वस्तु पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स क्या क्या कर सकती है, क्या क्या कारनामा कर सकती है वो, तो व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स
दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। किसी वस्तु पे बल लगाने का क्या क्या प्रभाव हो सकता है वस्तु पे, वो देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल, ये वस्तु रेस्ट पे पड़ी है, इसको हिलाने के लिए मुझे 1 न्यूटन का बल चाहिए, मैंने 2 न्यूटन का लगा दिया, तो क्या होगा, हिलेगा? बिल्कुल हिलेगा। तो इसका मतलब कोई वस्तु यदि रेस्ट पे होती है और उचित मात्रा में बल लगाया जाए तो उसमें मोशन उत्पन्न करवा सकती है। इफेक्ट नंबर वन, फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। समझ में आ गया, कोई वस्तु रेस्ट पे हो तो उसमें मोशन उत्पन्न करवा सकती है। ठीक, चलिए अब ये डस्टर है, ये मोशन में होगा, ये ऊपर से आया, वो करते मैंने रोक दिया, इसका मतलब क्या है, हाथों से फोर्स लगाया, रुक गई। एक बॉल क्रिकेट में देखा होगा, ऊंची बॉल आ रही है और आपने कैच कर लिया, तो मोशन में थी, हाथ से फोर्स लगी, एकदम से रुक गई, स्टॉप हो गया वो। समझ में आ गया, किसी फुटबॉलर ने फुटबॉल पास की किसी साथी को और दूसरे वाले ने पैर से दबा दिया फोर्स लगा करके। हॉकी में किसी ने पास किया किसी को, हॉकी से लगा करके फोर्स रोक दिया, तो इसका मतलब चलती फिरती चीजों को रोका भी जा सकता है फोर्स लगा करके। बाइक चल रही है, ब्रेक लगाया, फोर्स लगी, बाइक रुक गई। मतलब अगर फोर्स रुके हुए वस्तु में मोशन ला सकती है तो चलती फिरती चीज को रोक भी सकती है। ठीक है, क्रिकेट में बॉलिंग कराता कोई पर्सन तो कीपर क्या करता है, अपने ग्लव से फोर्स लगा के रोक लेता है उसको। समझ में आ गया कि नहीं क्या, तो यही चीज यहाँ पे भी है। तो अगला क्या है, फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एंड फोर्स कैन मूव, फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। ठीक, फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। अब चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वस्तु है, ये ऐसे जा रही है धीरे 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 धीरे, अब मैं इस पर फोर्स लगाना चाहता हूं, मैं 3 तरीके के एग्जाम्पल दबा दूंगा, अगले 3 पॉइंट निकलेंगे यहां से। ये वस्तु ऐसे जा रही है, जिस ओर ये वस्तु जा रही है मैं उसी ओर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, तेज हो जाएगी ना। आपका फ्रेंड बाइसिकल चला रहा है और आप पीछे से उसको पकड़ करके धक्का मार दो तो बाइसिकल तेज हो जाएगी। मोशन की दिशा में यदि किसी वस्तु पे, ऑलरेडी मूविंग है, मोशन की दिशा में किसी वस्तु पे अगर हम फोर्स लगा दें तो उसकी वेलोसिटी, स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मान लो ऑब्जेक्ट तो इधर जा रहा है, फोर्स हम उल्टा लगा दें तो स्पीड घट जाएगी। समझ आ गया कि नहीं क्या, मान लो कोई बाइसिकल चला रहा है और पीछे पकड़ के वापस खींचो तो उसकी स्पीड धीरे होगी। तो इसका मतलब अगर मोशन की दिशा में फोर्स लगाई जाती है, इट कैन इंक्रीज द वेलोसिटी या स्पीड, मोशन से अपोजिट दिशा में फोर्स लगाई जाती है, इट कैन डिक्रीज द वेलोसिटी। ठीक है कि नहीं क्या, और कई बार होता है हम ना तो मोशन की दिशा में लगा रहे हैं ना इस दिशा में लगा रहे हैं, हम तो साइड से लगा रहे हैं। एक वस्तु ऐसे आ रही है, हमने ऐसे फोर्स लगा दी, दिशा बदल जाएगी। फुटबॉल होती है ना, आपने देखा होगा, फुटबॉल आई, किसी ने पास किया, हमने हेड से ऐसे मार दिया उछल करके, समझ में आ गया, तो कहीं और ही चली जाती है, मतलब दिशा भी बदल सकती है। तो 3 चीज हो गई, मोशन की दिशा में लगी फोर्स वेलोसिटी बढ़ाती है, मोशन की दिशा के उल्टी दिशा में लगी फोर्स वेलोसिटी घटाती है, और कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी लगी तो दिशा भी बदल सकती है। समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट, फोर्स अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। अब इसका उल्टा लिखना है, बताओ, फोर्स अप्लाइड on a moving object in the direction opposite to its motion can decrease its velocity। समझ में आ गया, मोशन की दिशा में लगाई वेलोसिटी बढ़ गई, मोशन की उल्टी दिशा में लगाई वेलोसिटी घट गई। अच्छा, दोनों पॉइंट को आप एक साथ कंबाइन भी कर सकते हो, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इट कैन चेंज इट्स वेलोसिटी, अब वो डिपेंड करता है मोशन की दिशा पे। समझ आ गया, दिशा में लगी तो बढ़ जाएगी कम से कम, तो हम एक ही पॉइंट भी कर सकते हैं कि इन शॉर्ट द फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन पांचवा पॉइंट क्या है, फोर्स
कैन चेंज द डायरेक्शन। बच्चों इसके ऊपर बहुत सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन बनेंगे आपके कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट देखा जा रहा है वो देखेंगे हम। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की जो दिशा है वो बदल सकती है। बॉल आई आपने किक कर दी किसी और तरफ चली गई, समझा क्या? क्रिकेटर क्रिकेट में बॉलिंग कराई किसी पर्सन ने बॉलर ने और बैट से किसी बैट्समैन ने उसको रोक दिया हिट कर दिया तो बॉल की दिशा चेंज हो जाती है। तो ये एग्जांपल्स हैं दिशा परिवर्तन के। रोज सुबह उठ के बच्चों सबसे पहले आप लोग खड़े होते हो, ब्रश हाथ में करते हो टूथब्रश और टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगाते हो ना, तो टूथपेस्ट हमारा कंप्लीट ट्यूब है, उसको जैसे आप फोर्स लगाते हो स्क्वीज करते हो तो पेस्ट बाहर निकलता है, तो उसका शेप चेंज होता है धीरे धीरे। तो शुरू में तो फूली फूली होती है और फिर कुछ दिनों बाद में स्क्वीज हो के बिल्कुल चपटा सा हो जाता है। तो इसका मतलब एक और चीज़ क्या हुआ, अगर हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो सकता है। समझ आ गया? स्प्रिंग है, स्प्रिंग स्प्रिंग को हम खींच लें दबा दें शेप चेंज होता है। रबर बैंड खींचा बड़ा हो गया, समझ आ गया कि नहीं? क्या इसी प्रकार से पिलो तकिया, तकिए पे सर रख दिया फोर्स लगी पिचक गया, सोफा सेट पिचक गया, गद्दा पिचक गया, फोम, ठीक है कि नहीं? क्या और छोड़ो, किचन में जाइए आपकी मदर जब खाना बना रही हो, चपाती बनाने से पहले आटा लिया गूंध दिया, उस आटे गूंथे हुए आटे के साथ वो होता है ना हाथों से कभी दबाया ऐसे से किया तो क्या होता है, वो फोर्स लगाते हैं तो शेप चेंज होती है। फिर उसी आटे को तोड़ करके लोई बना ली गोल कर दिया, फिर दबाया हाथ से चपटा हो गया, फिर बेलन लिया बेल दिया फ्लैट हो गया। ये क्या चीज़ है, ये शेप चेंज वाले तो एग्जाम्पल्स है, समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो किसी भी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगाएं तो उसकी शेप क्या हो सकती है, बदल सकती है। धनुष बाण, धनुष है तीर चलाने से पहले हम उसकी डोर को खींचते हैं तो हमारे हाथों से उसकी शेप चेंज करते हैं, तो ये क्या हो गया एग्जांपल, शेप चेंज के हो गए। समझ आ गया? तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? क्या तो ये हमारे बच्चों अलग अलग क्या हो गए, असर हो गए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चलिए अब प्राइमरीली बच्चों देखेंगे भी आगे अलग अलग प्रकार की फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, उससे पहले मैं बता दूंगा बेसिकली फोर्स कैसे लगती है, लग कैसे रही है, इसके आधार पर उसको दो मेन कैटेगरी में बांटेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है? तो दो कैटेगरीज ऑफ फोर्स है मैं लिखवा देता हूँ और क्या इनका डेफिनेशन है वो भी देखेंगे हम। कॉन्टैक्ट फोर्स क्लियर अप कर दूं मैं, आप अच्छे से इसको समझ के नोट कर लेंगे, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए जा सकते हैं इसके। What are the two categories of forces? A, पहली contact forces। ये वो force है जो किसी वस्तु पर लगने के लिए उसको छूना जरूरी है। अब जैसे ये मान लीजिए duster है ना, तो अब मैंने इस पर force लगाई तो उसको मेरे को छूना पड़ा, तो ये जो मेरे द्वारा लगाई गई फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है? अब मुझे बताओ मैंने इसको हिला दिया, ध्यान से सुनना, मैंने ऐसे धक्का मारा मूव किया, लेकिन मूव करने के बाद में ये मूव करता ही क्यों नहीं रहा, ये रुक क्यों गया, देखो रुक गया क्यों रुका? इसका मतलब कोई तो ऐसी फोर्स है जो मेरे हाथ और डस्टर के बीच में लग रही है जिसको रोकती है। ये रोकने वाली फोर्स इसकी सतह, ये जो ये सतह और मेरे हाथ की सतह इसके खुरदरेपन पे डिपेंड करती है, समझ में आ गया? इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो कि पीछे मोशन को डिस्ट्रॉय करती है, समझ में आ गया? तो अप्लाइड फोर्स ये हो गई, लेकिन मेरे फोर्स लगाने के बाद में डस्टर रुकता है, दैट मींस इसके मेरे हाथ के सरफेस और डस्टर की सतह के बीच में एक फोर्स है जो उसको बैकवर्ड पुल करती है जिससे कि उसका मोशन डिस्ट्रॉय होता है, रुक जाता है। आप एक फुटबॉल है कितनी भी जोर से किक कर लो जमीन पे, कुछ देर तक तो रोल करेगी फिर कभी ना कभी तो रुकेगी, चलती तो नहीं जाएगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है संपर्क वाली फोर्स है, समझ आ गया? तो कॉन्टैक्ट फोर्स ये वो फोर्स होती है जो किसी वस्तु पे एक्ट करती है बाय मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट, दोज फोर्सेस विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब होता है टचिंग विद इट आर कॉल्ड
कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल इसके क्या है, एक मैंने बताया फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल ये हमारी क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसके अलावा हमारी और कोई कॉन्टैक्ट फोर्स एक होती है विस्कस फोर्स, जो कि गाढ़े लिक्विड्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, विस्कस फोर्स इज ऑल्सो एक कॉन्टैक्ट फोर्स। और किसी भी वस्तु पे अगर हम टच करके फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एंड विस्कस, गाढ़े लिक्विड जो होते हैं उसके कारण जो भी फोर्स लगती है वो क्या कहलाती है, विस्कस फोर्स कहलाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और दूसरी कौन सी हमारी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये वो फोर्स होती है बच्चों जो किसी वस्तु पर लगती तो है लेकिन क्या है, उसको हमको क्या है, उसके टच करने की आवश्यकता नहीं होती है, दूर से उनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी फोर्स लगेगी। तो इस प्रकार की फोर्स क्या कहलाती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दोज फोर्सेस विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड, इसकी जगह आर आ जाएगा, फोर्सेस है ना प्लूरल में, आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें बच्चों एग्जाम्पल आ गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, पता है आपको सबको, धरती को सूर्य खींचता है लेकिन टच थोड़ी है धरती, लेकिन फिर भी खींचता है, तभी तो उसके चक्कर काटती है ना धरती गोल गोल। तो इसके एग्जांपल्स कुछ हो गए हमारे क्या, पहला है ग्रेविटेशनल, यहां पे एक और लिखना चाहता हूं तो मस्कुलर फोर्स, हम जो हमारे हाथ पैरों को यूज करके लिविंग बॉडीज में जो मसल्स हैं उसको यूज करके जो फोर्स लगाते हैं कॉन्टैक्ट ही होती है। मुझे बताओ एक बड़ा सारा ट्रॉली है तो आप ऐसे करके ट्रॉली को बिना छुए तो धक्का मार नहीं सकते, आपको तो पकड़ना पड़ेगा और हिलाना पड़ेगा ना उसको, तो खींचोगे या धक्का मारोगे, दरवाजा खोलना है, पुश करना है, किसी थैले को उठाना है, सर पे रखना है, कुछ भी करना है, आपको अपनी मसल्स का यूज करना पड़ेगा, तो छूना तो पड़ेगा। तो हमारी लिविंग बींग जो मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाते हैं वो होती है मस्कुलर फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। एक घोड़ा है, घोड़े को तांगे को खींचना है, बैल है, बैल को बैलगाड़ी को खींचना है, तो उसको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा और वो उसको मसल्स की फोर्स लगाएगा, तो उसको संपर्क होना जरूरी है। अब दूर से ही जादू मंत्र करके उसको खिला नहीं पाओगे, तो ये कौन सी फोर्स हो गई, ये हो गई मस्कुलर फोर्स, भी इसी का एग्जांपल। समझ में आ गया कि नहीं क्या? चलिए विस्कस फोर्स का एग्जांपल बता दो बच्चों, एक गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड ले लिया, गाढ़ा लिक्विड का मतलब जैसे मान लीजिए आप एक पानी का ग्लास ले लो, उसमें कॉइन, छोटा सा कॉइन, या चलो ये पीस है, ये पीस है, ये पीस अगर मैं पानी के उसमें ग्लास में डाल दूंगा तो फटाफट नीचे तैर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, पानी से गीला होगा फिर नीचे बैठ जाएगा, भारी हो जाएगा। लेकिन इसी को मैं शहद की बोतल में डालूं, फेविकॉल की बोतल में डालूं, तो ये ऊपर ही पड़ा रहेगा, नीचे जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो लिक्विड गाढ़ा है, जितना गाढ़ा होगा ना उतनी ज्यादा ऊपर की ओर उसको फोर्स लगाएगा तो उसको डूबने नहीं देगा। समझ में आ गया? तो गाढ़े लिक्विड्स अपने गाढ़ेपन के कारण किसी वस्तु पर जो फोर्स लगाते हैं वो क्या कहलाता है, विस्कस फोर्स। आपको एक तालाब में, पानी के तालाब में मूव करने के लिए तैरने के लिए दें, आसानी से तैर लोगे, कीचड़ में दें तो नहीं तैर पाओगे, कारण दलदल में कोई तैर नहीं पाता, यही कारण है, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स ज्यादा होती है, समझ आ गया, जो तैरने से रोकती है, ठीक। तो ये एग्जांपल्स होगा विस्कस फोर्स, गाढ़े लिक्विड्स के द्वारा ऑफर की गई फोर्स जो कि मोशन में बाधा उत्पन्न करती है, मसल्स के द्वारा लगाई गई फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स दो सतहों के बीच में फोर्स जो मोशन को डिस्ट्रॉय करती है। अगला चैप्टर हमारा यही आएगा, इसके बाद देखेंगे फ्रिक्शन, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे क्या, ठीक है। चलिए तो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट समझ आ गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि मास के कारण होती है, जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, मैं आगे डिफिनेशन लिखवा दूंगा अलग अलग प्रकार की फोर्सेस की, तो इनके कारण जो भी फोर्सेस होती है बड़े मास के कारण जिसके कारण वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है, ठीक है। इसके बाद आता हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स है। अगर मान लो एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, तो इनके बीच में कैसी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव। समझ में आ गया? मान लीजिए दो लाइक चार्जेस हैं, इनके बीच में फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव, चाहे माइनस माइनस हो, कैसी,
ये तो रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, प्लस माइनस चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। और एक और भी चीज है बच्चों, मान लो मैं यहाँ पे एक प्लस का चार्ज ले लूं और ये प्लस का चार्ज एक दूसरी सतह है जिसपे की कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो, ये प्लस का चार्ज जीरो, तो पता क्या होगा, चार्ज्ड वस्तु अनचार्ज वस्तु के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, चाहे प्लस या माइनस ले लो। मतलब अगर अनलाइक चार्जेस है अट्रैक्ट, सिमिलर चार्जेस है रिपेल, चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। आपने देखा होगा एग्जांपल, एक दीवार है, मामले को चार्ज नहीं है, बलून लिया, बलून को अपने हेयर पे रगड़ा, चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, फिर उस चार्ज बलून को आपने दीवार पे चिपका दिया, चिपक जाता है वो, तो बलून एक चार्ज बॉडी हो गया और हमारा जो दीवार है वो अनचार्ज बॉडी हो गया। तो न्यूट्रल चीज और चार्ज वस्तु के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये समझ में आ गया, यहाँ रिपल्शन दूर भागेंगे, अट्रैक्शन खींचेंगे, यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्शन। समझ में आ गया कि नहीं, क्या ये क्या है न्यूट्रल, तो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्जेस, इट कैन बी अट्रैक्टिव इट कैन बी रिपल्सिव, डिपेंड्स अपॉन कि चार्ज कैसा हो, ठीक है ना। चलिए तो ये आप चाहे तो बना सकते हो नीचे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हमारी अगली जो फोर्स है बच्चों वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट मैग्नेट के बीच में फोर्स होती है, ठीक है। एक मैग्नेट है उसके अगल बगल में कोई ऑल पिन वगैरह लोहे की रख दो तो दूर से ही खींच लेता बिना छुए, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। एक मैग्नेट दोनों के अगर दो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, अगर एक जैसे पोल्स नजदीक आ गया भागेगा एक दूसरे से, रिपल्शन, ठीक है। मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, एक लोहे की कील है ऑल पिन आयरन नेल, क्या होगा अट्रैक्शन, चाहे वो इधर रख दो इधर रख दो कहीं पे भी तो अट्रैक्शन ही होगा। लेकिन अगर एक मैग्नेट जिसमें कि इधर नॉर्थ इधर साउथ, दूसरा मैग्नेट जिसमें कि इधर साउथ इधर नॉर्थ, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ गया, तो लाइक पोल्स, एक जैसे पोल्स दे रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एंड कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होगी। समझ में आ गया कि नहीं, क्या तो ये भी मैग्नेटिक फोर्स होगा, बिना छुए ही क्या होगा फोर्स लगेगी। तो ये तीन हमारी जो बेसिक फोर्सेस है, कौन कौन सी बताया मैंने यहाँ, तो क्या था फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, और यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट। तो फर्क समझ में आ गया, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज वो जो किसी वस्तु पे फोर्स लगाते वक्त उसको छूती हो, उसको छूने की आवश्यकता पड़ती हो फोर्स लगाने वाला एजेंट से, जो एजेंट फोर्स उत्पन्न कर रहा है उसको छूना आवश्यक है वस्तु को, तो कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो वस्तु फोर्स लगा रही है वो जिस चीज पे लगा रही है उसके साथ संपर्क नहीं बनाती है, उसके साथ कोई उसका कांटेक्ट नहीं होता है फिजिकल, ये कहलाती है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो अभी बच्चों हम अलग अलग फिर जितनी भी अलग अलग प्रकार की फोर्सेस हैं उनकी डेफिनेशन देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो वो हम देखेंगे कि वॉट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेज एंड हर एक की डेफिनेशन क्या क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रेशर के बारे में भी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, आप इसको अच्छे से समझ करके नोट कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी होती है और क्या उनकी डेफिनेशंस होती है वो सब देखेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस किसको कहते हैं, इसके भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट आप ढंग से समझ जाओगे ना तो उसके बाद आपके टेक्स्ट में पता है अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, रटने वाले क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ के अपना दिमाग लगा करके बताने वाले क्वेश्चन है, बहुत ईजी है वो, कॉन्सेप्ट समझ लेना एक बार आप, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन की ज्यादा चिंता करनी नहीं, वो बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Goodbye and thanks for watching.